हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को स्कूटी चलाने के लिए एकदम से ग्राउंड में आ चुकी हूं और आज मैं आप लोगों को स्कूटी चलाना सिखाऊंगी। लेकिन जिनका हाइट बहुत कम है उन लोगों के लिए मेरा ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि जिनका हाइट 4 फीट 5 6 9 तक जिसका हाइट है उन लोगों के लिए स्पेशली मेरा ये वीडियो, क्योंकि मेरा वीडियो में बहुत सारा कमेंट आता है कि मेरा हाइट बहुत कम है कि क्या मैं स्कूटी चलाना सीख पाऊँगी, क्या मैं स्कूटी चला पाऊँगी। तो देखिए यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ कि स्कूटी चलाने के साथ हाइट का कोई मतलब नहीं है। तो देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स होता है जिसको अगर फॉलो किया जाए तो कोई भी स्कूटी चला सकते हैं, चाहे वो हल्का हो या भारी हो। हल्का भारी या हाइट या वेट के ऊपर नहीं डिपेंड करता है कि हम स्कूटी चला पाएंगे कि नहीं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, मन में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपका मन में अगर कॉन्फिडेंस रहेगा तो कोई भी स्कूटी चला पाएगा बहुत आसानी से। मेरा हाइट काफ़ी अच्छा है लेकिन मैं अगर डरी हुई हूँ, सहमी हुई हूँ, तो मैं भी कभी नहीं स्कूटी चला पाऊँगी। तो इसीलिए बता रही हूँ जिनका हाइट छोटा है या वेट ज़्यादा है वो लोग भी स्कूटी बहुत आसानी से चला सकते हैं। तो चलिए आज का जो वीडियो है उन लोगों के लिए है जिनका हाइट बहुत कम है, क्योंकि 2-3 टिप्स है जो मैं बता दूंगी जिससे कि आप आसानी से स्कूटी चला पाइएगा। चलिए फिर सो गाइस, जिनका हाइट बहुत छोटा है उन लोगों के लिए फर्स्ट मैं बताना चाहती हूँ, ये शूज ये जो है ना थोड़ा सा हल्का सा हील वाला शूज पहनेगा जिससे कि कवर किया हुआ है, पैर कवर किया रहेगा और हल्का सा हील रहेगा, वो वाला शूज पहनेगा तो आसानी रहेगा। हालांकि मेरा हाइट अच्छा है इसलिए मैं नहीं पहनी हूँ, ऐसे ही पंप्स पहनी हूँ। तो वो एक टिप्स हो गया। दूसरा टिप्स मैं ये बताना चाहती हूँ जिनका हाइट बहुत कम है वो लोग, ये देख लीजिए ये जो स्कूटी का सीट है ना एकदम सामने से बैठिए यहाँ पर, ताकि आप पैर को ज़मीन में टच कर पाएँ, ठीक है। ये इतना मतलब यहाँ पर आपको बैठना पड़ेगा, जैसे कि आपका हाइट बहुत कम है इस तरीके से, इस तरीके से आपको बैठना होगा, ठीक है। और स्कूटी चलाने का जो फंक्शन है वो तो मैं पहले का वीडियो में बता चुकी हूँ, आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। तो ये एक टिप्स है कि आपको एकदम आगे सीट में बैठना पड़ेगा। और थर्ड टिप्स मैं ये बताऊँगी कि आप पैर जो है ना, ये जो पैर है ना, इसको इस तरीके से जैसे कि आप स्कूटी चलाएँगे इसको टच करिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप पैर को ऐसे ही करिए तब जाके आपको सपोर्ट मिलेगा। पैर को ऐसे करने से भी एक अच्छा सा सपोर्ट मिलता है, ठीक है। तो पैर को ऐसे करते हुए आगे मूव करिएगा, ऐसे मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, ऐसे 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 करके पैर का जो तलवा है उसको आप इस तरीके से मूव करते हुए स्कूटी को धीरे धीरे चलाएंगे। और जब पूरा अच्छे से आप जब स्कूटी चलाना सीख जाएंगे, मन में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगा, तो कोई भी मुश्किल नहीं आएगा। ये 3 टिप्स बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इस तरीके से स्कूटी को बहुत आसानी से चला सकते हैं। और बाकी का जो स्कूटी का फंक्शन है वो मैं पिछले वीडियो में बताई हूँ, फिर और एक बार मैं फिर आप लोगों को दिखा देती हूँ, ठीक है। चलिए फिर, लेकिन मेन जो टिप्स है ये 3 टिप्स बहुत इम्पॉर्टेंट टिप्स है। तो बस चाबी घुमा दिए, स्कूटी ऑन कर दिए, और ये एक्सीलेटर है, इसको हम ज़्यादा नहीं घुमाएंगे, ज़्यादा घुमाएंगे तो ये मेरा बैलेंस डगमगा सकता है। इसको अपनी तरफ मूव करेंगे तो ये आगे बढ़ेगा, और इस तरह बाहर की तरफ मूव करेंगे तो ये रुक जाएगा। और स्टार्ट करते टाइम ये लेफ़्ट साइड का जो ब्रेक है इसको हल्का सा प्रेस करना होगा, उसके बाद इसको प्रेस ये जो बटन है इसको प्रेस करना होगा तो स्कूटी स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हम हल्का सा मूव करेंगे इस तरीके से, और मेरा हाइट बहुत कम है तो इसलिए मैं आगे सीखने तो इस तरीके से पैर को
सो गाइज, यहाँ पे मैं क्लियरली आप लोग को बताना चाहती हूँ कि स्कूटी चलाते टाइम फर्स्ट डे आपको सबसे पहले स्कूटी का बैलेंस बनाना सीखना होगा। तो जिनका हाइट छोटा है तो वो मतलब जिनका हाइट शॉर्ट है वो स्कूटी का आगे सीट में बैठते हुए पैर का जो आगे का तलवा है इस तरीके से जैसे मैं दिखा रही हूँ आप लोग को, इस तरीके से मूव करते हुए फर्स्ट आपको बैलेंस बनाना सीखना होगा। उसके बाद ही जब आपका बैलेंस बन जाएगा उसके बाद ही आप पैर को थोड़ा थोड़ा करके ऊपर उठाएंगे। तो ये सब एक दिन में नहीं होगा। मैं जैसे कि आप लोग को अभी स्कूटी ट्रेनिंग सिखा रही हूँ, स्कूटी चलाना सिखा रही हूँ, इसीलिए मैं एक ही दिन में दिखा रही हूँ, लेकिन ये एक ही दिन में पॉसिबल नहीं होगा। फर्स्ट डे तो आपको स्कूटी का बैलेंस बनाने में ही चला जाएगा। तो स्कूटी का बैलेंस आप कैसे बनाएंगे? आप आगे सीट में बैठ जाइएगा, फिर उसके बाद ही देखिए पैर का जो आगे का तलवा है उसके सपोर्ट में आप स्कूटी को मूव कीजिएगा। तो इस तरीके से आपका बैलेंस बन जाएगा। जब बैलेंस बन जाएगा तभी जाके आप स्कूटी के ऊपर पैर थोड़ा थोड़ा सा ऊपर उठाइएगा और उसके बाद प्रैक्टिस लगातार चलाइएगा, तो आप बहुत अच्छे से स्कूटी चलाना आसानी से सीख जाएंगे, चाहे क्यों ना आपका हाइट बहुत कम हो। सो गाइस, ये जो 3 टिप्स है ना, इसको अगर आप फॉलो करेंगे ना तो बहुत जल्द आप भी स्कूटी चलाना सीख जाएंगे। आपका हाइट कम हुआ तो क्या हुआ, आप भी बहुत आसानी से स्कूटी चलाना सीख जाएंगे। तो टिप्स वो 3 था, उसको अच्छे से फॉलो करना होगा और है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, ये मैं हर वीडियो में बताती हूँ आप लोगों को। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए मेरा ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहेगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन का जो ऑल है उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को टाइम टू टाइम मिल जाएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स।